हेलो फ्रेंड्स, वेलकम श्रीनाथ थड़का। आज हम बनाएंगे बनाना चोको चिप्स केक, जो बनेगा कुकर में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम केक के टीन को ग्रीस कर लेते हैं, जिसे हम केक बनाने वाले हैं। दोस्तों ये है 6 डायमीटर 6 इंच का केक का टीन है ये। तो इसमें पहले ऑयल डाल देते हैं, अच्छी तरह ग्रीस कर लेते दोस्तों। इस तरह से पूरे केक के टीन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। 1 टीस्पून जैसा मैंने ऑयल लिया है, अच्छी तरह से। अभी हम डालेंगे 1 टीस्पून जैसा मैदा। इसे कोटिंग करने के लिए आप इसे बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मैदा कोटिंग करेंगे, सब पूरी तरह से सब जगह से इस तरह से कोटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से केक टीन कोटिंग हो गया है मैदे से, जिसे साइड पर रखते हैं और केक का बैटर बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक मीडियम साइज का केला लिया है। इस तरह से पका हुआ केला चाहिए दोस्तों बनाने के लिए केक। तो मैंने लिया इस तरह से स्लाइस काट लिया है, छोटे छोटे साइज के इस तरह से। यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने ऑयल लिया है। यहाँ लिया है 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। यहाँ लिया है 1 टीस्पून लेमन जूस। यहाँ लिया है 1/4 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। चॉकलेट चिप्स 3-4 टेबलस्पून चॉकलेट चोको चिप्स लिया है मैंने इस तरह से मिक्स करने के लिए बैटर में। यहाँ लिया है मैंने मिल्क पाउडर 1/4 कप। 1 कप मैदा लिया है मैंने। यहाँ लिया शक्कर, पीसी हुई शक्कर, आइसिंग शुगर 1/2 कप। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम ये स्लाइस को एक फोक के हेल्प से स्मैश कर लेंगे इस तरह से। ये जो हम बनाना केक बना रहे हैं, ये बहुत टेस्टी बनता है, बनके तैयार होता है। जो जिसे बनाना बहुत पसंद है, उसे केक भी बहुत पसंद आएगा। इस तरह से हम अच्छी तरह से स्मैश कर लेते हैं इसे। तो इस तरह से कुछ होगा, इस तरह से आपको करना है कुछ, इसे ज्यादा नहीं करना है। अभी हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। हाफ कप आइसिंग शुगर, शक्कर का पाउडर। ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। शुगर अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए शुगर पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से कुछ मिक्स होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए इस तरह से कुछ हुआ है। अभी हम डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गया है। स्ट्रेनर लेंगे, एक कप मैदा जो लिया था डाल देंगे मैदा। मिल्क पाउडर, वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारी चीजों को अच्छी तरह से छान लेंगे दोस्तों। सारी चीजों को छान लिया है इस तरह से। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कट एंड फोल्ड डायरेक्शन में आपको मिक्स करना है इस तरह से, कट एंड फोल्ड। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब
अभी मैंने 1/4 कप वाटर लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका बैटर बनाएंगे, स्मूथ बैटर। इस तरह कुछ हुआ है, 1/4 कप दिए थे मैंने पानी। अब मैं और थोड़ा पानी ऐड करूंगी, रिबिन फ्लो होना चाहिए, इस तरह से ज्यादा पानी में नहीं डालना है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ हुआ है तो दोस्तों आप देख सकते हो रिबिन फ्लो इस तरह से होना चाहिए, रिबिन फ्लो जैसा। मैंने और थोड़ा पानी डाला था, 1/4 से ज्यादा पानी डाला है मैंने। अभी हम चोको चिप्स डाल देंगे, इस तरह से जो 3/4 टेबल स्पून मैंने लिया था चोको चिप्स डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में डालूंगी 1 टीस्पून लेमन जूस जो लिया था, बेकिंग सोडा दिया है तो ये लेमन जूस देगा तो बहुत अच्छी तरह से फूलता है केक और अच्छी तरह से बनता है दोस्तों। तो इसे अच्छी तरह चोको चिप्स को जो है हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कुकर मैंने प्रीहीट करने दिया है 10-10 मिनट के लिए, मैंने इसे प्रीहीट करने को दिया है कुकर को मीडियम फ्लेम पे। साथ में मैं इसे दूंगी 1 पिंच नमक दूंगी दोस्तों, इसमें 1 पिंच जैसा नमक। तो बैटर हमारा तैयार है इस तरह से दोस्तों, इस तरह से कुछ होना चाहिए, अच्छे से मिक्स हो गया है सारी चीजें, रिपीट हो जैसा होना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है इसमें। 1/4 से थोड़ा ज्यादा पानी लिया है मैंने, इस तरह से होना चाहिए क्योंकि इसमें केला दिया हुआ है, बनाना दिया हुआ है, तो ज्यादा पानी ऐड करने से केक अच्छे तरह से नहीं फूलेगा, अच्छे तरह से नहीं बनेगा। तो मैंने इस तरह से बनाया है। हमारा कुकर अभी प्रीहीट हो रहा है 10 मिनट के लिए, दिया है प्रीहीट को। यहाँ पर हमारा कुकर प्रीहीट हो रहा है 10 मिनट के लिए, मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट किया है। अभी हम इस बैटर को केक की टीन में हम ट्रांसफर कर लेते हैं दोस्तों, इसे बेक करने वाले हैं, इसमें रेडी करके रखा था हमने। ट्रांसफर कर दिया इस तरह से बेकिंग टीन में। अभी इसे 2-3 टाइम इसे हम टैप कर देंगे अच्छी तरह से, जो एयर बबल्स होगा निकल जाएगा इस तरह से। तो तैयार है, हम इसे डाल देते हैं कुकर में अभी। तो इस तरह से रख दिया कुकर के अंदर, कुकर के अंदर स्टैंड रखा है दोस्तों मैंने, स्टैंड रख के इसे हमने इस तरह से प्लेस कर लिया, इसे हम डाल दिया इस तरह से। अब इसे हमें रबर मैंने निकाल लिया है, कुकर के ढक्कन का जो रबर होता है रिंग वो निकाल लिया है, और सीटी विसल जो है वो भी निकाल लिया है मैंने इस तरह से। अभी हम अंदर, अभी हम इसके ऊपर से चोको चिप्स डाल देंगे दोस्तों, ये ऑप्शनल है, इसमें डाल रही हूँ इस तरह से, बहुत अच्छा लगता है। गार्निश कर लेते इस तरह से, इस तरह से कुकर बंद कर दिया दोस्तों। अभी इसे हम लो फ्लेम पे आपको बेक करना है, 45-50 मिनट्स आपको लो फ्लेम पे इसे बेक करना है, कुकर में है इसलिए। अगर आप माइक्रोवेव में बेक कर रहे हो तो आपको 40 मिनट्स लगेगा। 180 डिग्री में आपको प्रीहीट करना है और 180 डिग्री में आपको बेक करना है 40 मिनट्स के लिए। अगर माइक्रोवेव में कर रहे हो आप, नहीं कुकर में कर रहे हो तो कुकर में आपको 45-50 मिनट्स लगेगा। तो होने देते हैं इसे। तो दोस्तों 45 मिनट्स हो गया है पूरा, तो चेक करते हैं इसे। वाओ, तो हमारा केक बनके तैयार है इस तरह से, कितनी अच्छी फूली है दोस्तों, देखिए आप। तो अभी हम टूथपिक से देखेंगे कि हो गया कि बीचों बीच इस तरह से। तो हमारा केक बन चुका है दोस्तों, इस तरह से क्लीन आया है टूथपिक। तो गैस बंद कर लेते हैं अभी, और इसे हम ढक के इसे मैं रखूंगी 1/2 मिनट के लिए, इसे मैं ढक के पूरा रख दूंगी इस तरह से कुकर के अंदर ही। गैस मैंने बंद कर दिया है, इस तरह से कुकर के अंदर मैं इसे रखूंगी बिना गैस का। 1/2 मिनट हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, अच्छा कलर आता है और अच्छा बनता है, इस वजह से मैंने रखा था इसे। अब इसे निकाल लेते हैं और ठंडा करने देते हैं केक को, उसके बाद इसे डिमोल्ट करेंगे। तो मैंने केक निकाल लिया है प्लेट में इस तरह से, इसे ठंडा करने देते हैं कम्प्लीटली, इसके बाद इसे डिमोल्ट करेंगे। तब तक हम इसे एक कॉटन के कपड़े से, रुमाल से, अब इस तरह से ढक के रखिए इसे।
से स्टील का ढक्कन ना दीजिए, वरना इसके ऊपर जो वाफ आएगा स्टीम, उससे केक खराब हो सकता है। इस तरह से हम ढक के रखेंगे और इसे ठंडा होने देंगे केक को। तो दोस्तों केक ठंडा हो गया है इस तरह से। हम साइड के लेयर को लूज कर देंगे छुरी से, साइड के लेयर्स को इसको डिमोल्ड करते हैं अभी केक को। साइड के लेयर्स को इस तरह से हम डिमोल्ड कर लेंगे। इस तरह से साइड के लेयर्स को निकाल लेते हैं। अभी एक प्लेट लेंगे, इस तरह से रखे से पलट लेंगे। बहुत स्पंजी बना है, बहुत सॉफ्ट हुआ है दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं। सीधा कर देते हैं फिर। हमारा केक इससे बन के तैयार है। इस तरह से कितना सॉफ्ट बना है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से कितना सॉफ्ट बना है। 45 मिनट्स में केक जल्दी बन तुरंत बन जाता है दोस्तों। इसे बनाना केक है तो इसको टाइम लगता है बनने को, तो 45 मिनट से बन जाता है ये केक। इस तरह से बहुत सॉफ्ट अच्छा बनता है। आप चाहे तो इसे गेहूं की आटे की बना सकते हो दोस्तों, मैंने मैदे का बनाया है, आप गेहूं का आटे का भी बना सकते हो केक। इसे करके बताते हैं। इस तरह से हमारा केक तैयार है दोस्तों। जालीदार हुआ है अंदर से, आप देख सकते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। इस तरह से तो दोस्तों तैयार है हमारा बनाना चोको चिप्स केक। इस तरह से ये कितना टेस्टी लग रहा है ना दोस्तों, खाने में बहुत यम्मी है दोस्तों। जरूर ट्राई कीजिए घर पे। अगर आप बनाना पसंद करते हो तो बनाना केक भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो जरूर ट्राई कीजिए। अच्छा सॉफ्ट और बहुत अच्छा टेस्टी बनता है ये। आप चाहते हो तो गेहूं के आटे का भी बना सकते हो, मैंने मैदे का बनाया, गेहूं के आटे भी अच्छा बनता है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी बनाना चोको चिप्स केक की, तो जरूर बनाइए दोस्तों, जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले अगली रेसिपी के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इसे माइक्रोवेव में बनाना चाहते हो तो आप 180 डिग्री में इसे प्रीहीट करके 180 डिग्री में इसे बेक कीजिए। 40 मिनट्स में हो जाएगा माइक्रोवेव में। अगर आप कुकर में बना रहे हो, जैसे मैंने ये बनाया है केक, तो उसे 45 टू 50 मिनट्स लगेगा। 10 मिनट इसे प्रीहीट कीजिए मीडियम गैस पे और इस तरह से बना लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है बनाने का दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों इस तरह से।